हेलो स्टूडेंट, सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा। स्टैटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है कलेक्शन ऑफ डाटा, हमने जान लिया कि स्टैटिक्स क्या होती है। अब हम जानते हैं कि उसमें हमें ये भी जाना कि डाटा क्या होता है। अब हम जानेंगे डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं। ओके, देखिए स्टैटिक्स जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। ओके, जो भी चीज़ें नंबर में है वो सारे स्टैटिक्स है, जो नंबर में नहीं है वो स्टैटिक्स में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, जिसको हम नंबर में शो नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात है, जैसे गाय के 4 पाँव होते हैं, इसको स्टैटिक्स नहीं कहा जाएगा, है ना। इसके बाद ये कहेंगे मैं कुर्सी में बैठा हुआ हूँ, 10 बच्चे और कुर्सी में बैठे हुए, तो भी डाटा है, उसे क्या कहा नहीं जाएगा, उसे स्टैटिक्स नहीं कहा जाएगा। जब तक कंपेरिजन ना हो, स्टैटिक्स में कंपेरिजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कंपेरिजन जब होता है तो ही वो डाटा स्टैटिक्स का डाटा कहलाता है। जैसे कि क्लास रूम में 20 बॉयज़ है, 10 गर्ल्स है, तो इस पर कंपेरिजन हो रहा है, क्योंकि तो बॉयज़ ज़्यादा हैं गर्ल्स कम, तो कंपेरिजन हो रहा है, तो ये स्टैटिक डाटा होगा। तो डाटा स्टैटिकली तब यूजफुल होता है जब उसमें कंपेरिजन होता है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करने का हम मेथड देख लेते हैं। डाटा को दो तरीके से कलेक्ट किया जाता है। देखो, कलेक्शन ऑफ डाटा में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। सोर्स ऑफ डाटा, कि डाटा हमको मिल कहाँ से रहा है, क्या है उसका सोर्स, क्या ओरिजिन क्या है उसका। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे वह मेथड ऑफ कलेक्शन, कि हम डाटा को कलेक्ट कैसे किए गए, मेथड कैसे, किस मेथड से कलेक्ट किया गया। तो आइए पहले हम समझ लेते हैं कि सोर्स क्या होता है, डाटा का सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है। तो डाटा को दो सोर्स ऑफ डाटा को दो पार्ट में बांटा गया, प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा सब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पहला, देखिए बेसिस में डिफरेंस बता दें, पहला सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये 5 बेसिस जो है उस पर हम इसे डिस्टिंग्विश करेंगे। ओके, दोनों को 5 बेसिस में डिस्टिंग्विश करेंगे। तो पहले डेफिनेशन के बेसिस में डिस्टिंग्विश करते हैं। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है, और डाटा इन विच अ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। देखो, जब इन्वेस्टिगेटर इज इन्वॉल्व, मतलब अगर मैं खुद जा रहा हूँ, खुद जाकर के जगह जगह में जाकर के डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ कि इनको कैसी गवर्नमेंट चाहिए, या उनकी मुसीबत क्या है, कि उनको क्या चीज़ों की दिक्कत आ रही है, क्या वे चाहते हैं, या एजुकेशन फैसिलिटी में क्या इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सारी चीज़ें मैं खुद पर्सनली जाके घर घर हर एक लोगों से मिल रहा हूँ और वो डाटा को कलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें मेरा खुद का इन्वॉल्वमेंट है। अगर मैं खुद इन्वॉल्व हो रहा हूँ तो मैं इन्वेस्टिगेटर कहलाऊंगा। तो इन्वेस्टिगेटर का खुद का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ऐसे डाटा को क्या कहते हैं, प्राइमरी डाटा कहते हैं। और सेकेंडरी डाटा जस्ट कपोज जहाँ पर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ना हो, हम एक एजेंसी के पास गए, वहाँ ऑलरेडी डाटा कलेक्टेड था, लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस चीज़ में नहीं है, कैसी एजुकेशन फैसिलिटी चाहिए, कैसी नहीं चाहिए, कैसी गवर्नमेंट चाहिए, क्या उनको सुविधा चाहिए, हर एक डाटा उनके पास रखा हुआ है, उन्होंने कलेक्ट करके रखा है। मैं गया और उनके पास से वो डाटा ले आया और उसका यूज़ करने लगा। तो ऐसे में ऐसे डाटा को क्या कहेंगे, सेकेंडरी डाटा कहेंगे। तो आपको डेफिनेशन हो क्लियर हो गया होगा। अगला है ट्रस्टवर्दीनेस। ट्रस्टवर्दीनेस क्या होता है, कि ट्रस्टफुल क्या होगा। जैसे सिंपल सी बात है, भैया मैंने डाटा कलेक्ट किया तो वो ट्रस्टवर्दी होगा, यस इट इज़ ट्रस्टवर्दी। लेकिन सेकेंडरी डाटा ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकता, उसमें ट्रस्टफुल कैसे करूँ, किसी ने कलेक्ट किया है, सही कलेक्ट किया कि नहीं, सही लोगों के पास गया है कि नहीं, कहीं अपने मंच को नहीं बना लिया, तो ट्रस्टवर्दी सेकेंडरी डाटा को नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अगला जो अगर है वो है सूटेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। तो सिंपल है, पर्सनल डाटा है, प्राइमरी डाटा है, तो नो नीड ऑफ एडजस्टमेंट। मैं अपने हिसाब से चुनूंगा मुझे किस चीज़ के लिए, मुझे एजुकेशन पर्पज़ के लिए चाहिए, मुझे अपना थीसिस बनाना है, या गवर्नमेंट के जानकारी के लिए चाहिए, जिस चीज़ के लिए चाहिए उस चीज़ के हिसाब से मैं डाटा कलेक्ट करूँगा, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। मैं जस का तस डाटा कलेक्ट करूँगा जिस हिसाब से मुझे चाहिए। लेकिन इसमें देयर इज अ नीड ऑफ एडजस्टमेंट, इसमें क्या एडजस्टमेंट की नीड होगी, जरूरी होगा कि एडजस्टमेंट किया जाए। ओके, तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा इसमें मुझे। अगला है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी में क्या होगा, प्राइमरी डाटा है, मैंने खुद कलेक्ट किया, ये ओरिजिनल डाटा है क्योंकि मेरे द्वारा कलेक्ट किया गया, इसको कहीं और से मैं नहीं, मैं खुद जा करके अपने पास जितने भी सुविधाएं थी उसका इस्तेमाल करके मैंने वो डाटा कलेक्ट किया, तो ये ओरिजिनल डाटा होगा। लेकिन ये क्या होगा, ये बायस हो सकता है। बायस मतलब इसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है, हो सकता है किसी का प्रेशर हो ये डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, हो सकता है डाटा ट्रूथफुल ना हो सकता है, बहुत लिमिटेड जानकारी दी गई, पूरी जानकारी ना हो, तो ये बायस हो सकता है। ठीक है, लास्ट है कॉस्ट के बारे में। ठीक है, तो एक चीज़ आप जान लीजिए, इकोनॉमिक में कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, कॉस्ट
के अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा भी मैं गया वहाँ पे, मैंने अपना पेट्रोल खर्चा किया, मैंने अपनी एनर्जी लगाई, मैंने अपना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट दिखाया, ठीक है। हो सकता है मैंने कुछ लोगों को रिक्रूट भी किया, तो ऐसे में प्राइमरी डाटा बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने अपना टाइम दिया, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इकोनॉमिक्स में टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समय बोलते हैं ना, समय की बहुत कीमत होती है, तो समय ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि मुझे समय ज़्यादा लग रहा है। अगर किसी चीज़ में, इकोनॉमिक्स में अगर जान लीजिए, किसी चीज़ को कलेक्ट करने में, बनने में, प्रोडक्शन में समय लग रहा है, तो मतलब समझ लीजिए कॉस्टली, उसका कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। क्योंकि जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना कॉस्ट बढ़ेगा, आप उतनी एनर्जी लगाओगे उतना टाइम दोगे। तो टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिससे कॉस्ट किसी भी चीज़ का बढ़ जाता है। ये क्या इकोनॉमिकली भी है, मैं सिंपल कहा पैसा लगा मेरे को, ऐसा नहीं कि फ्री में आ गया, इकोनॉमिकली है क्योंकि इसमें पैसा लगा है, लेकिन थोड़ा पैसा लगा, इतना पैसा नहीं लगा जितना इसमें लगना चाहिए। मैं गया, कुछ पैसे दिया और उनके पास से डाटा उठा कर लिया। तो ये इकोनॉमिकली है। तो होप आपको प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, जो सोर्स ऑफ डाटा है, वो कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। आइए अब हम थोड़ा सा मैथड ऑफ कलेक्शन के बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट। तो आइए हम कर लेते हैं मैथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। इसके चार तरीके हैं, चार तरीके से डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने अभी बताया, मैं खुद जा रहा हूँ, पर्सनली लोगों से मिल रहा हूँ, इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। तो मैं कौन हूँ, मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, ओके। तो इन्वेस्टिगेटर खुद जा करके इन्फॉर्मेट, मतलब जिनसे डाटा मिल रहा है उन लोगों से मिले, उनसे बातें करें, उनसे चाहे वो एजुकेशन के लिए है वो डाटा, या फिर गवर्नमेंट की कमियों के बारे में, ये डाटा खुद कलेक्ट कर रहा है, पर्सनली कलेक्ट कर रहा है, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। सेकंड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। मैं डायरेक्टली किसी से नहीं मिला, मैं ओरली वर्बली सुन करके वो डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ कि लोगों को ये परेशानियाँ हो रही हैं, लोगों को इन चीज़ों की सुविधा चाहिए, ये एजुकेशन मेथड इस तरह से इंप्रूव होना चाहिए, हर एक चीज़ को इनडायरेक्टली ले रहा है, ओरली सुनते जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन अपने पुट अप करते जा रहा है। तो ऐसे में वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ओके ओके। थर्ड है इंफॉर्मेशन थ्रू द लोकल सोर्सेस, मैं किसी से पर्सनली नहीं मिला, वहाँ में लोकल जो रहने वाले सोर्सेज हैं, जो इस जगह को जानते हैं, उस जगह के बारे में जानकारी जानते हैं, उन लोगों को मैंने बुलाया, उनसे कलेक्ट किया कि लोगों की क्या परेशानियाँ हैं, क्या दिक्कतें हैं, किस तरह सॉल्व किया जा सकता है, क्या उनकी सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है। मैं लोकल लोगों से मिल रहा हूँ, लोकल सोर्सेज से मिल करके बात कर रहा हूँ, एक तरह का डायरेक्ट ही है लेकिन लोकल थ्रू लोकल ही आता है, तो इसे इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल रिसोर्सेज में पुट अप किया गया है, ओके। लास्ट है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड स्केड्यूल्स। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब में, या फिर नॉर्मल जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं, तो उनके पास फॉर्मेट होता है, क्वेश्चन का बैंक बना हुआ है, उसमें आपको लिखा रहता है। जैसे आप बैंक एटीएम में जाओगे तो आपको यहाँ का आप हमारा जो क्या बोल सकते हैं सुविधा है वो कैसी लगी, गुड बेटर या वर्स, ऐसा करके वो क्वेश्चन बने होते हैं, उस क्वेश्चन में आपको राइट मारना रहता है। ऑलरेडी क्वेश्चन बने होते हैं, हर एक चीज़ इंफॉर्मेशन मिली जाती है। सर्वे में भी आप देखोगे यूट्यूब के, तो आया रहता है कि आपको कौन सा ऐड पसंद आ रहा है ज़्यादा, आपको G5 का पसंद आ रहा है, कि हॉटस्टार का ऐड पसंद आ रहा है, या फिर आपको नेटफ्लिक्स का ऐड पसंद आ रहा है, आपको बस उसमें राइट मारना रहता है। तो ये क्वेश्चनरीज होते हैं, क्वेश्चनरीज बने होते हैं, उसको हमें टिक करना होता है, ठीक है। और कुछ शेड्यूल्स होते हैं, कुछ एक लाइन के क्वेश्चन आंसर रहते हैं कि आप अपने ओपिनियन बताइए कि किस तरीके से आप सुधार कर सकते हैं, या आपको क्या प्रॉब्लम जा रही है वो बताइए। तो ये क्या होता है, शेड्यूल्स होते हैं, उसमें आप तुरंत उस चीज़ों को एक लाइन में आंसर ले सकते हैं। इसको दो तरीके से किया जाता है, मेलिंग के द्वारा या इन्यूमरेटर के द्वारा। मेलिंग मतलब आपने पूरा फॉर्मेट बनाया, मेल कर दिया, पोस्ट कर दिया है, ठीक है, या फिर ईमेल कर दिया है इंटरनेट के माध्यम से, या फेसबुक पर डाल दिया, व्हाट्सअप में डाल दिया, यूट्यूब में डाल दिया, इसमें आपने डाल दिया और लोग को फिर अपना सर्वे दे दें। तो ये क्या होता है, सिर्फ लिमिटेड होता है, जो अर्बन एरिया है, पढ़े लिखे रिलेटेड लोग हैं वही इनको कर पाएंगे। इन्यूमरेटर क्या होता है कि आपने पर्सनली कुछ लोगों को रिक्रूट किया है, जो घर घर जा करके इस फॉर्म को फिल करवा रहे हैं नाम एड्रेस पते के साथ। तो ये इन्यूमरेटर्स लोग होते हैं जिसको आप रिक्रूट करते हैं, ये भी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ही होता है, पर इसमें आप किसको रिक्रूट करते हैं और वो जा करके चीज़ों को भरवाते हैं करवाते हैं। तो इस तरीके से ये चारों डेफिनेशन कंप्लीट होती है कलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।